दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राजभर वंश का संपूर्ण इतिहास। दोस्तों, एक पोस्ट के मुताबिक लगभग 1400 वर्ष तक रहा राजभर साम्राज्य। 150 ईस्वी से 1488 ईस्वी तक। दोस्तों, राजभर वंश का गोत्र महाराजा भारद्वाज जी अवध की वजह से गोत्र भारद्वाज है। पुराना वंश नागवंश है। इसके बाद भारसी वंश के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, राजभर तथा राजभर समाज की उपजातियों के 153 लोग हैं। भारसी वंश के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था। तब राजभर वंश के लोगों ने राजपाट किया तो कुछ राजाओं ने पहले भारसी वंश के नाम से किया। शिवलिंग को कंधे पर धारण करने की वजह से भारशिव कहलाए, जिनमें वीरसेन भारशिव बहुत ही बड़े सम्राट थे, जिन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। इसलिए आज भी काशी में दशाश्वमेघ घाट बनारस में स्थित है। दोस्तों, राजभर वंश के 37 से अधिक राजा थे, जिनमें हम कुछ नाम बताने जा रहे हैं। यदि सब लोगों का नाम बताना स्टार्ट करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। राजा धौरहरा राजभर 900 ईस्वी लखीमपुर खीरी। राजा लाखन राजभर 1000 ईस्वी लखनऊ के संस्थापक। राजा कंस देव राजभर कमलाहार मलिहाबाद लखनऊ। राजा सुहेलदेव राजभर 1021 ईस्वी बहराइच या श्रावस्ती। राजा सातन राजभर 1170 ईस्वी सातन कोट कन्नौज के राजा। महाराजा बिजली राजभर 1170 ईस्वी बिजनौर नगर लखनऊ के राजा। राजा छितादेव राजभर 1030 ईस्वी सीतापुर। राजा लहुरावीर राजभर 1280 ईस्वी लहरपुर सीतापुर के राजा। राजा डलदेव राजभर 1390 ईस्वी रायबरेली। राजा बालचंद राजभर भरौली रायबरेली। दोस्तों, इसमें से ऐसे कई राजा हैं जिनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों, इनके बारे में वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इनके बारे में यदि आप समझना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उस वीडियो को आप वहां से जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, लाखन राजभर के बारे में हम बता चुके हैं, जो लखनऊ के राजा थे। और दोस्तों, सुहेलदेव राजभर के बारे में भी हम बता चुके हैं, जो बहराइच के राजा थे। डलदेव के बारे में भी बता चुके हैं, जो रायबरेली के राजा थे। तो दोस्तों, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, और बहुत से राजा हैं। यदि आप राजाओं का नाम और वो कहाँ के राजा थे जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतनी जल्दी वीडियो आपके बीच होगी। दोस्तों, राजभर वंश के राजपाट को चातुर्वर्ण ने छल कपट से नष्ट कर दिया, और जब स्वयं युद्ध नहीं जीत पाते थे तो ये चातुर्वर्ण के लोग तुर्किस्तान, ईरान और अफगानिस्तान क्षेत्र के सल्तनत कालीन शासकों को निमंत्रण देकर राजभर वंश के राजाओं से लड़वाते थे, और पीछे से पूरी मुखबिरी छल कपट करने का काम करते थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, सरकी वंश, शासकों को चातुर्वर्ण के लोग राजभर समाज के राजाओं को बर्बाद करने में इस्तेमाल किए थे। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियोस हर रोज आपके पास पहुंचते रहें। बाकी दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।